हमारा चल रहा था कवि मैथिलीशरण गुप्त जिनकी भिद्रता नाम की जो कविता थी वो हमारे सिलेबस में थी, जिसमें कुछ पद हम पढ़ चुके थे, जिसमें भिद्रता का कथन था कि वो कह रही थी लास्ट में कि आप से दो कथन मैं कहना चाहती हूँ, संभवतः आप सुनना चाहो तो सुन लीजिए, बाद में आपको कहने का भी अवसर नहीं रहेगा, आप सुनना चाहोगे तब भी आपको सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं या तो यहाँ से चली जाऊँगी या आत्महत्या कर लूँगी, तो आप अगर मेरे दो बात सुनना भी चाहोगे तो आपको वो सुनने को नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें वो कहती है भिद्रता। उसके बाद आगे देखिए क्या चर्चा चलती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भिद्रता आगे कह रही है, क्या कह रही है भिद्रता, कह रही है मैं मर चुकी किंतु मरते ही, मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। देखिए क्या कहा उसने, कहा कि मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, कि आपके इस तरह के इन अत्याचारों से, वो अपने अत्याचारी पति से कह रही है भिद्रता, क्या कह रही है कि आपके इस तरह के इन अत्याचारों से, आपकी इस तरह की इन क्रूरताओं से मैं मर चुकी, मैं भावना रूप में तो मैं मर चुकी हूँ, मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। किंतु मरते ही ऐसा मत सोचो कि मैं ठंडी पड़ चुकी हूँ, वो मरना नहीं मरी हूँ मैं। कौन सा मरना? जिसमें मरने के बाद आदमी ठंडा पड़ जाता है। आपने देखा होगा जैसे जो आदमी मरते हैं, जिनकी जो डेड बॉडी है, वो मृत्यु के बाद ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। तो यहाँ भिद्रता क्या कह रही है कि उस तरह का मरना मत सोचो मेरा, जो मरने के बाद ठंडा हो जाता है। बाकी वैसे मैं आपके अत्याचारों से, आपकी क्रूरताओं से, आपके इस तरह के अनिति या इस तरह के व्यवहार से मैं मर चुकी हूँ, मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमसे दो बातें कहने को, अभी तुमसे दो बातें का मतलब है संक्षिप्त बात करने के लिए, तुमसे सीमित शब्दों में बात करने के लिए, दो बातें का मतलब यहाँ है तुमसे थोड़ा कुछ बात बताने के लिए, उस सीमित शब्दों में संक्षिप्त रूप में आपसे कुछ बातें कहने के लिए, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ, मैं क्षण भर के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। आप मानना या नहीं मानना वो बात अलग है, लेकिन सीमित रूप में आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। वैसे मैं भावनात्मक रूप से या इस तरह आत्मिक रूप से मैं मर चुके, इस तरह की बातें वो बताते हुए कह रही है। आगे फिर क्या कह रही है, हम तुम पति पत्नी थे दोनों। अब अपने उस अत्याचारी पति को वो इस तरह दो बातों के रूप में, संक्षिप्त बातों के रूप में वो देखिए किस तरह की बातें कहती है भिद्रता। तो वो कह रही है हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अधवर में हम तुम पति पत्नी थे दोनों, कि हम और तुम, अपने अत्याचारी पति के लिए कहा है कि हम तुम दोनों पति पत्नी थे, हम दोनों एक पति पत्नी के रूप में थे, हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अधवर में, अधवर, अधवर का मतलब होता है यज्ञ और दीक्षित का मतलब होता है कि संस्कारों से युक्त, अर्थात हम इस जीवन रूपी यज्ञ में, यज्ञ कौन सा, सांसारिक जीवन रूपी यज्ञ, कि सांसारिक जीवन रूपी जो यज्ञ है इसमें हम दोनों पति पत्नी के रूप में दीक्षित हुए थे, पति पत्नी के रूप में हम संस्कारों में बंधे हुए थे। अगर हम तो इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को समझाते, दो बातों के रूप में इस तरह संक्षिप्त बात समझाते हुए वो कह रही है कि हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अधवर में किसने, फिर आगे देखिए क्या कह रही है, फिर आगे कह रही है पर मेरा पत्नित्व मिटाया, पर मेरा जो पत्नित्व था, पत्नित्व का मतलब है पत्नी के जो अधिकार होते हैं, उन पत्नी के उन अधिकारों को, पर मेरा पत्नित्व मिटाया किसने यह पल भर में, क्वेश्चन है, प्रश्नमूलक शैली है, वो अपने उस अत्याचारी पति से प्रश्न कर रही है। वो क्या कह रही है कि हम इस सांसारिक जीवन रूपी इस यज्ञ में, हम रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार के माध्यम से वो कह रही है कि सांसारिक जीवन रूपी यज्ञ में हम दोनों पति पत्नी के रूप में संस्कारों में बंधे हुए थे, लेकिन पर मेरा पत्नित्व मिटाया, लेकिन इस यज्ञ में मेरा जो पत्नित्व था, पत्नी के जो अधिकार थे, उनको किसने मिटाया, पर मेरा पत्नित्व मिटाया किसने यह पल भर में, अर्थात पल भर में क्वेश्चन मार्क है, उसे प्रश्न कर रही है कि इस तरह पल भर में, क्षण भर में मेरा जो पत्नित्व था उसको सबसे पहले किसने मिटाया, अर्थात उसको मिटाने वाले आप ही हैं, इस तरह वो उसको समझा रही है। आगे फिर क्या कह रही है, आगे फिर देखिए, फिर वो अपने अत्याचारी पति को फिर कह रही है मुट्ठी भर भी जो दे न सके, देखिए क्या कह रही है, वो कह रही है मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी मैं आहा, मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी मैं आहा, बड़े दुख के साथ कह रही है वो,
क्योंकि जैसे ही वो दान करने के लिए मुट्ठी भर अनाज दान करने के लिए जैसे ही वो जाती है, तो मुट्ठी भर जैसे अनाज दान करने को जाती है तो उसका जो अत्याचारी पति है वो उसको संशय की दृष्टि से देख लेता है, शंका की दृष्टि से देख लेता है, अविश्वास की दृष्टि से देख लेता है। तो वो उस बात को बताते हुए कह रही है, वो क्या कह रही है, वो कह रही है मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं, आहा क्या मैं मुट्ठी भर भी अनाज दान के लिए नहीं कर सकती थी क्या, क्या मैं तुम्हारी दासी थी क्या, हम तो पति पत्नी के रूप में दीक्षित हुए थे, फिर आपने मेरे को मुट्ठी भर भी अनाज दान देने को नहीं दे सकती क्या, नहीं देने दिया क्या, दासी थी मैं क्या। बड़े दुख के साथ कह रही है कि दासी थी क्या मैं, आहा यज्ञ भंग हो गया। आगे क्या कह रही है, आगे वो कह रही है यज्ञ भंग हो गया जो दे न सके, क्या कहा वो कह रही है, वो कह रही है मुट्ठी भर दो न दे सके, दासी थी मैं, आहा यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा मेरा सब कुछ सुहा। देखिए क्या कहा उसने, कहा कि जब आपने मेरे को इस तरह मुट्ठी भर भी जब मेरे को दान नहीं देने दिया, अनाथ नहीं देने दिया, तो यज्ञ भंग हो गया। तो हमारा जो सांसारिक जीवन रूपी जो यज्ञ था, जिसे हम पति पत्नी के रूप में दीक्षित हुए थे, वो यज्ञ उसी दिन भंग हो गया। यज्ञ भंग हो गया, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, और क्या कहा मेरा सब कुछ सुहा, कि तुम्हारा जो जीवन रूपी यज्ञ था वो तो उसी दिन भंग हो गया, हमारा सांसारिक जीवन रूपी यज्ञ वो तो उसी दिन भंग हो गया जिस दिन तुमने मेरे को इस तरह रोक लिया, और मेरा सब कुछ स्वाहा, और मेरे जीवन में जो भी कुछ मेरे लक्ष्य थे वो सब कुछ स्वाह हो गए, सब जल गए, सब नष्ट हो गए। इस तरह वो अपने उस अत्याचारी पति को कह रही है। आगे और क्या कह रही है, आगे फिर कह रही है, देखिए क्या कह रही है, वह गुण किसने तोड़ा। आगे उस अपने अत्याचारी पति को समझाती हुई कह रही है कि वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। वह गुण, गुण का मतलब होता है रस्सी, रस्सी कौन सी, बांधने वाली। यहाँ रस्सी किसको कहा गया है, यहाँ कहा गया सांसारिक जीवन के जो बंधन होते हैं, जो पति पत्नी को एक दूसरे के प्रेम में आकर्षण में बांधते हैं, तो ऐसे उन सांसारिक जो संस्कार होते हैं, सांसारिक जो मर्यादाएं होती है, उनके लिए यहाँ रस्सी के रूप में बतलाते हुए वो कह रही है, क्या कह रही है कि वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा तकड़ा था, यह जोड़ा जकड़ा था, अर्थात उस गुण को, उस रस्सी को, उस बंधन को सबसे पहले किसने तोड़ा। पति पत्नी के रूप में हम जो संस्कारों का जो बंधन हमारे ऊपर लगा हुआ था, उस संस्कारों के बंधन को सबसे पहले किसने तोड़ा, वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, जिसमें हम दोनों का जो जोड़ा था वो जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था, उसको सबसे पहले आपने ही तोड़ा। आपने ही मेरे को अविश्वास की दृष्टि से देखा, आपने मेरे को शंका की दृष्टि से देखा, इसलिए उस जोड़े को, उन संस्कारों को, उस बंधन को सबसे पहले आपने ही तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, जिसमें हम पति पत्नी के रूप में जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। नर झकझोर डालने को ही, आगे फिर उसको समझा रही है कि हे अत्याचारी पति, नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। प्रश्न कर रही है उसे, क्या कह रही है, क्या इस तरह झकझोर डालने के लिए, हे नर, हे मनुष्य, क्या इस तरह झकझोरने के लिए, इस तरह अत्याचार करने के लिए, इस तरह अन्याय करने के लिए ही क्या यह कर पकड़ा था, क्या आपने इस तरह मेरा हाथ पकड़ा था, अर्थात मेरे साथ इस तरह अत्याचार करने के लिए, मेरे को इस तरह झकझोरने के लिए, विश्वास की दृष्टि से देखने के लिए कि आपने उस समय मेरा ये हाथ पकड़ा था। आपने देखा होगा पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को सांसारिक जीवन में, एक दूसरे को मर्यादाओं को समझने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए इस तरह के वहाँ हम इस तरह के वचन भी देते हैं। तो उन वचनों के लिए वो कह रही है, क्या कह रही है कि आपने इस तरह झकझोर डालने के लिए, इस तरह अत्याचार करने के लिए ही मेरा उस दिन हाथ पकड़ा था क्या। नहीं, आपने उस दिन जो हाथ पकड़ा था उसका मतलब मेरे को पत्नी के अधिकार प्रदान करना था, लेकिन आपने क्या इस तरह झकझोरने के लिए ही पकड़ा था क्या। इस तरह उसे प्रश्न कर रही है अपने अत्याचारी, अपने उस क्रूर पति से। आगे फिर क्या कह रही है, आगे देखिए फिर कह रही है वो, आगे फिर उस अत्याचारी पति को कह रही है वो, देखिए क्या कह रही है, कामुक चाटुकारता ही थी क्या यह गिरा तुम्हारी, कामुक चाटुकारता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नरसे भारी नारी। देखिए अब विद्रता अपनी इस कविता के माध्यम से, अब नारी के जो अधिकार हैं, नारी का समाज में जो सम्मान है, उसकी बातें बतलाते हुए कह रही है मैथिली संगोष्ठी के माध्यम से। देखिए क्या कह रही है, वो कह रहे हैं काम उचार टुकारता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी। आपने देखा होगा कि शादी से पहले जब पति पत्नी बातें करते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे की
चापलूसी करते हैं। तो उन बातों को याद दिलाते हुए वो हाथ पकड़ने से पहले की जो बातें थी, जो इस तरह के जो वादे थे उनके, उसको स्मरण दिलाते हुए वो अत्याचारी पति से कह रही है, देखिए क्या कह रहे, कामुक चाटुकारता ही थी कि तुम्हारी जो हाथ पकड़ने से पहले की जो इस तरह की जो मेरे प्रति जो इस तरह संवेदनाओं की जो बातें थी, प्रशंसा की जो बातें थी, वो सब कामुक, केवल काम भावनाओं के लिए थी, कामुक चाटुकारता या केवल इस तरह की चाटुकारता का मतलब मेरी प्रशंसा करने वाली इस तरह की थी, काम चाटुकारता ही थी क्या वे गिरा तुम्हारी, अर्थात तुम्हारी वो जो वाणी थी हाथ पकड़ने से पहले की जो तुम्हारी वाणी थी जिसमें तुम मेरे को बहुत अच्छा बताते थे, मेरी प्रशंसा करते थे, अगर सब चापलूसी करते थे, तो उन बातों को वो कह रही है तुम्हारी इस तरह की वो चाटुकारता की जो बातें थी, जो इस तरह की जो वाणी थी, वो सब केवल काम भावनाओं के लिए थी क्या, कामुक चाटुकारता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं, अब अपने अत्याचारी पति को वो संबोधित करते हुए कह रही है कि लेकिन आप भूल जाओ, एक नहीं दो दो मात्राएं कि तुम्हारी जो पहले की बातें थी वो क्या इसीलिए थी क्या, अर्थात ऐसा नहीं थी, एक नहीं दो दो मात्राएं, अब उसको समझाते हुए कह रही है कि आप ध्यान रखिए, एक नहीं दो दो मात्राएं नरसे भारी नारी की, नारी है उसमें एक नहीं बल्कि दो दो मात्राएं ज्यादा लगती है, इसका मतलब है समाज में नारी है वो नर से दुगने अधिकारों की प्राप्त अधिकारिणी है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। अब आपने देखा होगा जैसे नर शब्द होता है और नारी शब्द होता है, नर शब्द है उसमें आप देखिए न प्लस ए प्लस रे प्लस ए, ने प्लस आ प्लस रे प्लस ई, दुगनी है बड़ी है इसका दुगना ये है, अगर तो इस तरह वो उसको समझाते हुए कह रही है, वो उसको समझाते हुए कह रही है कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, अर्थात एक नहीं दो दो मात्राएं का मतलब है एक जगह ही नहीं बहुत सी जगह जो नारी है वो नर से अधिक समाज में अधिकारों की अधिकारिणी है, इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को समझाते हुए कह रही है। आगे फिर क्या कह रही है, फिर आगे कह रही है वो उसको अत्याचारी पति को, देखिए आगे फिर कह रही है वो उसको कह रही है, अहा नारियस्तु, अहा नारियस्त, अहा सॉरी वो आगे उसको कह रही है, अहा यत नारियस्तु वैख की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अधवर में आकर। आहा बड़े दुख के साथ कह रही है वो, अपने अत्याचारी पति को संबोधित करते हुए कह रही है वो बड़े दुख के साथ, आहा यत नार्यस्तु वैक्य की यस्त नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, आपने सुना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि द्विवेदी युगीन कवि हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति आदर्शवाद एवं नैतिकता पर बल दिया है, तो मैथिली सेन गुप्त ने भी उस आदर्शवाद उस नैतिकता उस संस्कृति का प्रयोग करते हुए यहाँ बताया, भारतीय संस्कृति का प्रयोग करते हुए कहा है, देखिए क्या कहा है मैथिली सेन गुप्त जी ने भद्रता के माध्यम से कहा है, आहा यत्र नार्यस्तु वैक्य की, यस्त नार्यस्तु का मतलब है जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये वैक्य की जब सत्यता सिद्ध हो जाएगी, आहा बड़े दुख के साथ कह रहे वो कि आहा यत्र नार्यस्तु वैक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अधवर में आकर, कि जब तुम, वो विद्रता कह रही है अपने अत्याचारी पति से कह रही है कि जब तुम भारतीय संस्कृति के अनुरूप जब तुम यहाँ नारियों की पूजा करने लग जाओगे तो क्यों नहीं हमारे इस जीवन रूपी यज्ञ में देवता आकर के निवास करने लग जाएंगे, अर्थात तुम नारियों के साथ इस तरह अत्याचार को छोड़ करके और जब भारतीय संस्कृति को उस वैक को जब सिद्ध कर दोगे, कौन से वैक को, कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, इस वैक को जब तुम सिद्ध कर दोगे, नारियों को पूजने लग जाओगे उनको सम्मान देने लग जाओगे तो क्यों नहीं आपके जीवन रूपी यज्ञ में देवता निवास करने लग जाएंगे, अर्थात निश्चित है कि आपके जीवन रूपी यज्ञ में देवता निवास करने लग जाएंगे। देवता निवास करने का मतलब है कि आपकी जो भावना है वो पूजने लायक हो जाएगी, सम्मान लायक हो जाएगी, इस तरह वो अपने उस अत्याचारी पति को कह रही है। फिर आगे क्या कह रही है, फिर आगे कह रही है देखिए उसको फिर और समझाते हुए कह रही है कि हा अवला आ, अरे देखिए आगे फिर वो कह रही है,
कि हा अवला आ अरी अनादर ए विश्वास की मारी। मर तो सकती है अभाग्नि, मर तो सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी। अब देखिए अपने नारी जीवन को दुर्भाग्यशाली मानते हुए, अपने नारी जीवन को हे मानते हुए, और इस तरह वो अपने आप पे इस तरह आक्षेप लगाते हुए और विद्यता कह रही है। देखिए भारतीय नारी क्या कह रही है, वो कह रही है हाँ बड़े दुख की बात है, हा अबला आ अरी, हा ये अबला आ अरी कि ये अनादर अविश्वास की मारी, कि इस तरह भारतीय जो नारी है वो अनादर की अविश्वास की इस तरह मारी हुई है, उसकी मार झेलने वाली है, उसको अत्याचार को सहन करने वाली है, और इस तरह होकर भी ये अबला इस तरह अनादर अविश्वास को झेल कर भी उसके उस मार को सहन करके भी क्या कर सकती है, मर न सकती है अभाग्नि, फिर भी ये अभाग्नि ये दुर्भाग्यशाली मर नहीं सकती है, मर न सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी, इस तरह ये नारी कुछ नहीं कर सकती है। अर्थात इस तरह ये समाज में अनादर और अविश्वास को झेल कर ये अबला कुछ नहीं कर सकती है, कर न सके कुछ, मर तो सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी, ये अपने आप में मर सकती है लेकिन कर कुछ नहीं सकती, इस तरह की दुर्भाग्यशाली है भारतीय नारी का जीवन है, वो इस तरह दुर्भाग्यशाली है कि वो इस तरह भारतीय समाज में अविश्वास अनादर को सहन करते हुए भी अबला होकर भी वो अपने आप में मर सकती है लेकिन कर कुछ नहीं सकती है, समाज में जो अत्याचारी अन्याय जो पति है उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस तरह वो अपने आप को इस तरह हे समझ करके ग्लानी या इस तरह की आत्मग्लानी करते हुए वो भारतीय नारी के जीवन को व्यक्त कर रही है। और क्या कह रही है आगे, फिर कह रही है जहाँ देता तथा भोगता, जहाँ देता तथा भुजता, मुख्य यही दो बातें, जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वहाँ ये खाते हैं। आगे भारतीय अतीत को बतलाते हुए कह रही है कि भारतीय जो अतीत है, भारतीय जो संस्कृति है वो अतीत में किस तरह की रही है, उसका बतलाते हुए उसका वर्णन करते हुए अपने अत्याचारी पति को कह रही है। वो क्या कह रही है कि जहाँ देता तथा भुजता, मुख्य यही वो दो बात है कि जिस भारत देश में दान, देता का मतलब होता है दान देना, भुजता का मतलब होता है भोग करना, अर्थात जिस भारत देश में दान देना और भोग करना ये मुख्य दो बातें होती है, जहाँ अतिथि हो आप देवता, जहाँ अतिथि को देवता समझा जाता है, अतिथि को अपने आप में देवता समझा जाता है। आपने देखा होगा हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है अतिथि देवो भव, अतिथि को यहाँ देवताओं के समान माना जाता है। तो उसी बात को याद दिलाते हुए अपने अत्याचारी पति से कह रही है कि जिस भारत देश में दान देना भोग करना और जिस भारत देश में अतिथि को देवता समझा जाता है, आज वहीं ये घाते, आज उसी भारत देश में नारियों के साथ इस तरह के अत्याचार, इस तरह की घाते, इस तरह के अत्याचार, बड़े दुख की बात है। इस तरह अत्याचारी अत्याचारी या क्रूर उस पति को यहाँ विद्रता है वो इस तरह से समझाते हुए और भारतीय संस्कृति की, भारतीय अतीत की बातें बतला रही है। आगे की जो बातें हैं वो हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।